स्ट्रेच बॉल विद सम कॉर्नस्टार्च, सम फ्लावर एंड ग्लू फेविकॉल एंड वाटर एंड वन प्लेट एंड सम बैलून्स टू बैलून्स वाटर एंड मैस हो जाएगा थोड़ा तो प्लेट ले. तो फर्स्ट मैं इसके अंदर डालूंगी फेविकॉल बैलून के अंदर. इसके अंदर मैंने फंसा दी मिप एंड देन प्योर सम फेविकॉल. देखो चढ़ाऊंगा और तू चिड़ना नहीं, मैं तेरा टेस्ट लूंगा. ठीक है, चिड़ नहीं चढ़ना. ठीक है, क्या है तू चढ़ा ली, चिड़ना नहीं. मैंने डाल दिया इसमें फेविकॉल, अब पूरा डालना. मैं पेन वाली शीशी लाई हूँ. फेविकॉल ही डालना है, फेविक गम नहीं डालना. मैं जब मैं पूरी डालूंगी इसके अंदर मिलती हूँ आपको प्योर करके पूरी फैक्ट्री. सो गाइस मैंने थोड़ा सा डाले क्योंकि मुझे दो बनानी है एंड आप पूरा भी डाल सकते हैं अगर आपको दो बनानी है. अगर आपको एक बनानी तो आप पूरा डालना. देन मैं इसमें प्योर कर रही हूँ सम वाटर. तो टू थ्री सो अभी मैं इसमें टू थ्री स्पून वाटर प्योर कर रही हूँ क्योंकि मैंने फेविकॉल डाला है ज्यादा. मैंने बोला था ना कि वाटर गिर जाएगा तो आप ये थोड़ा मैस हो जाएगा एंड मैं टू थ्री स्पून इसमें प्योर कर रही हूँ वाटर. बस बहुत है, फोर स्पून मैंने प्योर कर दिया एंड देन मैं डालूंगी इसके अंदर सम कॉर्न स्टार वन स्पून. थोड़ा सा मैं कॉर्न स्टार डालूंगी क्योंकि देखो कितना मेस हो गया है, इट्स मेस. एंड मैं वन थोड़ा सा और डाल दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी. ओके बहुत मस्त हो गया, देख सकते हो आप. तो मैं थोड़ा सा कम करके डाल दूँ ताकि गिरे ना एंड देख सकते हो मेरी हालत. बहुत थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, देखो कितना गिर गया. तो अभी मैं मैदा ऐड करूँगी इसमें, वेरी मैसेज बहुत मैसेज है. तो मैं वन स्पून मैदा ऐड करी उसमें क्योंकि मैं बहुत थोड़ा थोड़ा डाल रही थी, मैं बार बार करके डालूंगी. इट्स वेरी मेस एंड आपके घर पर ट्राई कर सकते हो इजीली, इट्स इजी. तो मैं थोड़ा सा मैदा, आप मैदा भी ले सकते हो, मैंने यहाँ आटा लिया है एंड मैं थोड़ा सा फेविकॉल और ऐड कर रही हूँ उसमें. तो अभी मैं थोड़ा सा वाटर और ऐड करूंगी क्योंकि ये बहुत मस्त हो गया है. तो अभी मुझे क्रीम भी बनाना ओके. तो मैं थोड़ा सा मैदा और ऐड करूँ इसमें, डल जाए बस. थोड़ा सा ग्लू मैंने डाल दिया एंड सम वाटर
आधे से ज़्यादा तो गिर गए हैं। मेरे पूरे मैस हो गए हैं मेरे कपड़े भी, तो थोड़ा सा नॉइस हो रहा है। तो गाइस अब मैं थोड़ा सा कॉर्न स्टार और ऐड कर रही हूँ। बहुत मैस हो रहा है, बहुत मैस हो रहा है गाइस, इट्स वेरी मैस। सम वाटर, मैं थोड़ा सा वाटर और डाल दूँ। आप मेरी हालत देख सकते हो कितना मैस हो रहा है, ये देखो। तो मैं सम वाटर थोड़ा और ऐड कर रही हूँ वाटर में, एंड सम फेविकॉल मोर। एक बनाऊंगी आई थिंक, ये एक में ही इतना मैस हो रहा है। तो मैं थोड़ा फेविकॉल और प्योर कर रही हूँ इसके अंदर। तो अभी मैं थोड़ा सा और वाटर ऐड करूंगी, देख लो कितना सारा मैं करूँ। तो अब मैं इसमें थोड़ा और मैदा ऐड कर रही हूँ। गाइस मेरे हाथ काट रहे हैं, मैं इसमें से थोड़ा ले लेती हूँ ताकि वेस्ट ना हो आइटम। तो बहुत कम लेना आप, मतलब बहुत ही कम लेना। ओके, तो अभी मैं थोड़ा और कॉर्न स्टार्च डाल देती हूँ इसके अंदर, क्योंकि कॉर्न स्टार्च से फ्रेंच बैलिंग बन रहा था। तो अभी मैं थोड़ा ग्लू और ऐड करूँगी और सम वाटर। तो अभी थोड़ा सा वाटर कितना देती हूँ मैं, तो मैं थोड़ा वाटर और ऐड कर रही हूँ। तो बस बनने वाला है, एंड सम मोर ग्लू। बस एक और बार मैं मैदा डाल दूँ, मतलब फ्लोर आटा। आप आटा ले सकते हो मैदा, अगर आपके मतलब अगर आप गुड़ मिल नहीं रहा है मैदा, तो आप मतलब आप ले सकते हो। तो मैं ना के पीछे वाले पार्ट से डालूंगी थोड़ा सा, मैं इसमें ऐड नहीं हो रहा। तो गाइस देख लो कौन सा ही डालना है मुझे, ऐसी बस लाइट चली गई थी। तो बस अब बस ये बनने वाला है, वेरी नाइस। तो अब मैं इसमें नॉट बांध देती हूँ। तो मैंने नॉट बांध ही दिया है, ओके। तो इसी तरह मैं दूसरा वाला भी बनूंगी। तो मैंने नॉट बांध दी और ये देखो कितना प्यारा स्ट्रेच बैलून बना है। अब इसको मिक्स कर लो अच्छी तरह। एक्चुअली मैंने वाटर पूरा कम डाल दिया था, मिक्स वेल। देखो कितना प्यारा स्ट्रेच बैलून बना है, एंड मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, पहले मैं दूसरा भी दिखाऊंगी। तो सम फेविकॉल मैं अब मैं इसमें पूरी डालूंगी। अरे यार कितना तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि कौन कौन से आइटम लगते हैं।
मैं बता भी दूंगी अच्छी तरह कि कैसे कौन सी स्पून से डाल कौन कैसे डालना है, कौन सा डालिंग लेना है और कौन सी फेविकॉल लेनी है। फेविकॉल तो ऐसे सेम होती है, मैं सारी डाल देती हूँ उसमें। तो भी मैं थोड़ी सी बचा लेती हूँ, फिर हमें फिर से वही रिपीट करना है स्टार। तो मैं थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी क्योंकि बहुत मैस हो जाता है। इसी तरह मैं दूसरे ऐड करूँ, मैं थोड़ा ऐड करूँ, बहुत थोड़ा ऐड करूँगी क्योंकि बहुत मैस हो रहा है, बहुत लेट खराब हो। तो मैं इसी तरह दूसरा बना दूँ, तो मिट्टी मैं आपको दूसरा बना। सो गाइज, अभी मैंने वो बैलून बना दिया है एंड अभी आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ। अभी मैं आपको स्ट्रेच बॉल बना के दिखाती हूँ। अब क्या करना है, मैंने एक रंग वाली बनाई है, ये देख सकते हो क्यूट सी, एंड एक मैंने नॉर्मल बनाई है। तो अब मैं लाऊंगी शीट। तेरी गंद फैला रखा है तूने अपनी पूरी। अरे मैंने वो बाल साफ कर दिया पूरा। तो गाइस आप देख सकते हो उसको, आप देख सकते हो मैंने शैम्पू ला दिया एंड अब मैं इसमें थोड़ा झाग बनाऊंगी। तो मिलते इसको झाग बना के। तो अभी ये जो बैलून है, कपड़ा रख दीजिएगा ताकि ये बैलून पानी अंदर ना जाए, और ये दोनों बैलून को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए इसके अंदर ताकि ये थोड़े चुपचुपे हो जाए। ये मैं यहाँ नहीं करूंगी, बाल्टी में करूंगी। मैं जो काम करूंगी मैं बाल्टी में करूंगी। तो मैं थोड़ा झाग पानी बाल्टी में डाल देती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा शैम्पू ले रही हूँ, देन आई एम रोल सम शैम्पू इन बाल्टी, देन थोड़ा शैम्पू इसके अंदर डाल दिया एंड अब मैं डालूंगी इसमें वाटर। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, मैंने रख दिया। तो अभी मैंने ये डाल दिया बैलून इसके अंदर, झाग बना देनी है पूरी और इसके अंदर डाल देना बैलून थोड़ी देर के लिए। बाय, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद।